चलिए फ्रेंड्स, पान मुखवास बनाने के लिए हम घर के ही पान के बेल से फ्रेश पान की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कितनी हरी भरी और फ्रेश पान लगे हुए हैं इसमें। बेल कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ये हमारी बेल कलकत्ता पान की बेल है। अब हम आज इसी से ही पान मुखवास बनाएंगे। चलिए अब हम पान की कटिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पान मुखवास। इसके लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिए हैं। पान मुखवास बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने अपने ही घर के गार्डन के पान की बेल के फ्रेश पान को तोड़ लिया है और इसे अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कलकत्ता पान है। अब इसको हम इस तरह से जमा लेंगे और पहले इसकी डंडी कट कर लेंगे। इस तरह से हमें इसके डंडी कट कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर इस तरह से हम बारीक बारीक पान की कटिंग कर लेंगे। एकदम नाइसली हमें इसकी कटिंग करना है। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे पान कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पान को हमने इस तरह से बारीक कटिंग कर ली है। अब हम इसका मिक्सचर रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने भुनी हुई सौंफ, धनिया दाल, मीठी सुपारी, खजूर, केसर लच्छा सुपारी, मीठे पान का मिक्सचर, शुगर कोटेड सौंफ, सिल्वर कोटेड शुगर बॉल्स, मल्टी कलर टूटी फूटी, रेड कलर टूटी फूटी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको पान शॉप पर भी मिल जाएंगे और मार्केट में भी इजीली मिल जाएंगे। अब हम इसमें गुलखन ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने मेंथॉल लिया है, आप देख सकते हैं, सिर्फ इतना ही मेंथॉल आप यूज कीजिए। और अब हम इसमें कत्था ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से हम पहले सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कटे हुए पान ऐड करेंगे। और इसे इस मिक्सचर के साथ बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पान मुखवास बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने घर पर ही एकदम जबरदस्त सा पान मुखवास रेडी कर लिया है। आपको बाजार जाकर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके घर कोई मेहमान आए तो भी आप इस तरह का पान मुखवास बनाकर
उन्हें खिलाइए और आप इसे कोई एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में 3 से 4 महीने भी आप इसे स्टोर कर रख सकते हैं। ये कुछ भी खराब नहीं होगा। ये देखिए हमने इसे कितने अच्छे से डिश आउट किया है। आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।